घर के बुजुर्ग हर सदस्य को मर्यादा के धागे में पिरोकर रिश्तों की एक माला तैयार करते हैं। इसमें बदलाव का हल्का सा संकेत भी उनके अनुभवी आंखों से नहीं छिप सकता। सोच में परिवक्ता रिश्तों को निभाने की पहली शर्त है। इसके अभाव में संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है और रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं। न्याय तो दोधारी तलवार होता है, वो रिश्तों का मोहताज नहीं होता। इसलिए न्याय करने वाले को कई बार स्वयं अन्याय सहना पड़ता है। अहंकार मनुष्यों को हठी बना देता है। यह अहंकार इतना बारीक होता है कि त्याग में उतर जाता है और क्षमा में भी प्रवेश कर जाता है। जब तक क्षमा करना मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं बन जाती, यह मिटता नहीं। संयुक्त परिवार प्रथा में परिवार को एकता और समस्ता के सूत्र में बांधे रखने में घर के बुजुर्गों की भूमिका अहम होती है। उनके अभाव में रिश्तों के बंधन कई बार टूटकर बिखरने लगते हैं। असुरक्षा की भावना से प्रेरित व्यक्ति में हीन भावना पैदा हो जाती है, जिससे बचने के लिए वो असंवेदनशील होकर कुटिलता का दामन थामने से भी नहीं हिचकिचाता। परिवारों में तनाव जब बढ़ जाता है तो मन भेद उभरने लगता है। ऐसे में टूटे रिश्तों को पुनः जोड़ने के लिए बुजुर्गों की भूमिका अहम होती है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। अफवाहों के बिना परखे सच मान लेना, निर्दोष को दोषी समझ लेना, अंधविश्वासों पर विश्वास कर लेना, यही तो अशिक्षा, अज्ञान और असामाजिकता है। आज की आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, बालिका वधु से जुड़े हुए कुछ तथ्य मैंने आपके सामने पेश किए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ज़िंदगी के जुड़े हुए कुछ तथ्य आपके लिए।